गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट फाइव लेसन वन एक्चुअली दिस इज़ अ पोयम द नेम ऑफ़ द पोयम इज़ द बलून मैन स्टूडेंट्स आपको पता है बलून होते हैं गुब्बारे मैन आदमी और बलून मैन हुआ गुब्बारे बेचने वाला आदमी डज़ अ बलून मैन विजिट योर मार्केट क्या बलून वाला आपकी मार्केट में आता है लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम आओ देखें बलून वाला अपने साथ क्या लाया है द बलून मैन यहाँ से ये पोएम स्टार्ट है ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वेयर He stays and never seems to think of lunch. Always hota hai hamesha Comes आना. Market days जब बाजार लगता है. Holds पकड़ना. Balloons गुबारे. Lovely bunch प्यारा गुच्छा. Market square market में कोई जगह उसको market square कहा गया है इस poem में. Stays रहना. Never, कभी नहीं थिंक ऑफ लंच दोपहर के खाने के बारे में सोचना तो जो ये बलून मैन है वह हमेशा मार्केट डेज जब भी मार्केट लगती है बाजार लगता है तब यह बलून मैन आता है एंड होल्ड्स बलून्स और बलून्स को पकड़े रखता है अ लवली बंच एक प्यारा गुच्छा एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज और जो मार्केट स्क्वेयर है मार्केट में कोई जगह वहाँ पर ये खड़ा हो जाता है एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच और यह अपने दोपहर के खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है देवर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन एंड वेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन यू सी देम शाइनिंग फार अवे देवर रेड एंड पर्पल तो यहाँ पर गुब्बारों के बारे में बात कर रहे हैं तो यह गुब्बारे कैसे हैं लाल पर्पल बैंगनी ब्लू नीले और ग्रीन हरे एंड वैन इट इज़ अ सनी डे सनी डे का मतलब जब सूरज निकला हो कार्ड्स कार्ड्स आपको पता है स्टूडेंट्स जो बाज़ार में जब कहीं पहिए वाली गाड़ी पर कभी कोई कपड़े बेचता है या फ्रूट सेलर फ्रूट बेचता है तो उसको हम कार्ड्स कहते हैं पीपल होते हैं लोग बिटवीन बीच में शाइनिंग चमकदार फार अवे बहुत दूर तो जब धूप वाला दिन होता है सनी डे होता है तो हमें ये गुब्बारे जो हैं इन कार्ड्स और लोगों के बीच में दूर से चमकते हुए दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि जब धूप वाला दिन होता है तो हमें ये गुब्बारे दूर से चमकते हुए दिखाई देते हैं एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल सम कुछ बिग बड़ा स्मॉल छोटा ऑल टाइट टूगैदर विथ स्ट्रिंग टुगेदर एक साथ टाइट बंधे हुए स्ट्रिंग रस्सी तो जो गुब्बारे हैं कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं और ये सारे एक रस्सी से आपस में बंधे हुए होते हैं ये देखिए ये सारे गुब्बारे आपस में बंधे हुए हैं एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड ऐट ऑल दे टाइक एनी थिंग विंड होती है हवा टग एंड टग मतलब जोर से खींचना किसी चीज़ को एनी थिंग कोई वस्तु तो जब हवा चलती है तो ये गुब्बारे ऐसे इनको बहुत जोर लगता है आपको पता है जब हवा चलती है तो गुब्बारे कभी ऊपर की तरफ कभी लेफ्ट कभी राइट उड़ उड़ने लगते हैं तो यहाँ पर टक का मीनिंग यही है ज़ोर से खींचना सम डे पर ही विल लेट दैम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई सम डे किसी दिन पर हैप्स शायद लेट दैम गो उन्हें जाने देना वी हम सेलिंग हाई ऊपर की तरफ को उड़ना स्टैंड खड़े होना वॉच देखना बिलो नीचे से प्रिटी प्यारे स्काई आसमान तो किसी दिन शायद वो गुब्बारे वाला उनको जाने देगा और उन्हें ऊपर की तरफ उड़ने देगा और खड़ा हो देखेगा नीचे से कि वो आसमान में उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपकी पोयम इसमें ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं बंच बंच होता है गुच्छा स्क्वायर कोई पॉइंट जहाँ पे वो खड़ा होता है गुब्बारे वाला इस पोयम में स्क्वेयर मार्केट स्क्वेयर कोई जगह सनी धूप वाला टग खींचना तो स्टूडेंट्स आपने इस पोएम को रीड करना है और इसके जो वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो विथ स्पेलिंग आपने ज़ोर से रीड करने हैं ओके थैंक यू